हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू भरत माइक एक्स्ट्राज। एंड क्या हाल है आप सबके? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड खूब मज़े से जी रहे होंगे। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी परंपरा से। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लविंग माय रिएक्शन सो मच। आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दिखा रहे हो मेरे सारे रिएक्शंस को, मेरी रुक जा वाली वीडियो को भूमि से एंड सारे मेरे हसल वाली वीडियोज़ को। सो थैंक यू सो मच तहे दिल से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आज का वीडियो हम रिएक्ट करना स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो कि बहुत ही एक स्पेशल सॉन्ग होने वाला है जो कि आप सब लोगों ने मोस्टली सुन ही लिया होगा, और अगर नहीं सुना है तो मैंने तो इससे पहले भी ये गाना सुना हुआ था। तो ये गाना है एक्चुअली, तो जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इट्स अ सॉन्ग कॉल्ड जेड़ा नशा फ्रॉम एन मूवी एक्शन हीरो, जो कि आयुष्मान खुराना की मूवी है, फीचरिंग आयुष्मान एंड नोरा फतेही। एंड इट्स अ सॉन्ग तनिष्क फरीदकोट अमर आईपी सिंह योहानी हरजोत, तो ये सब अलग अलग लोग हैं। सो इनका सॉन्ग है। सो ये सॉन्ग जिन्होंने नहीं सुना है तो ऑलरेडी मैं पुराने वाले सॉन्ग का भी लिंक सॉन्ग का डिस्क्रिप्शन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये वाला सॉन्ग का भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट स्टार्ट रिएक्टिंग टू द सॉन्ग। और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है, ये मैं मोस्टली अपने शोज वगैरह पे भी गाता रहता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट स्टार्ट द रिएक्शन एंड चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो टी सीरीज से आ रखा है ये, तो मूवी अभी रिलीज नहीं हुई, अभी ट्रेलर कुछ दिनों पहले ही आया था इसका। सो लेट्स स्टार्ट। ओके 3 2 1 गो। फीमेल वोकल्स को क्या हो गया? पूरा गाना इधर जा रहा था फीमेल वोकल्स। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आई पर्सनली डोंट लाइक दिस थिंग, बिकॉज इतना अच्छा लड़के ने गा रखा था, जब रियल गाना फरीदकोट ने इतना ब्यूटीफुल ये सॉन्ग गा रखा है, हूरा होते होर मेरा करता नहीं दिल, एंड फीमेल वोकल्स लाके पूरी एनर्जी देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा दी सॉन्ग की। ये देखो एंड आवाज भी अजीब लग रही है यार। डांस तो ऑन पॉइंट है, नोरा है, शी इज सो ब्यूटीफुल, शी इज सो गॉर्जियस। ब्यूटी यार, तेरे बिना फील बड़ा करिए अलोन नी। ओके तेनु नित आई तेरी सुन नी, हॉलीवुड विच तेरे चर्चे ने लाउडनी, सारे आशिकां ते तू भी करेंगी पराउडनी, करेंगी पराउडनी, जिन्ना सुख
अब आया डांस, बहुत सही यार, बहुत सही डांस कर रखा है, नाइस। आयुष्मान इज टैलेंटेड यू नो। वेरी गुड। सो दिस वॉज जेड़ा नशा फ्रॉम एन मूवी एक्शन हीरो। एंड ऑनेस्टली अपना रिव्यू एंड एनालिसिस बताता हूँ आपको मैं सॉन्ग का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो लिसनिंग टू दिस सॉन्ग, बहुत अच्छा है, अच्छा सॉन्ग है। सॉन्ग की कंपोजिशन बहुत अच्छी है, जो ओरिजिनल कंपोजिशन है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, दिस इज ओरिजिनली कंपोज बाय एंड संग बाय आई थिंक अमर जलाल ग्रुप एंड फरीदकोट का सॉन्ग था, जो कि 3 साल पहले आया था आज से, अब आज का भी नहीं है सॉन्ग, 3 साल पहले का सॉन्ग है। एंड इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ ये गाना, इतना ज़्यादा प्यार दिया लोगों ने, बिकॉज दिस डिजर्व लव। ओके, बहुत अच्छा कंपोजिशन है, बहुत ही प्यारा वाइब है, एक यू नो यू कैन इन्जॉय विद द सॉन्ग। एंड उस सॉन्ग को टी सीरीज ने लिया एंड दे रिक्रिएटेड इट विद द हेल्प ऑफ तनिष बागची। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं एक चीज़ है जो मेरे को पर्सनली लगती है, जो मैं बताना चाहूँगा सब लोगों को, कि इफ़ मेरे को लगता है कि अगर कोई सॉन्ग आप ले रहे हो कोई मूवी के लिए या फिर किसी भी अपने उसके लिए, सो यार प्लीज़ डोंट किल द ओरिजिनैलिटी। वॉट आई पर्सनली थिंक इज रिक्रिएट, दो और भी लोग करते हैं, जैसे सनम है, सनम इज़ अ सिंगर फ्रॉम इंडिपेंडेंट बैंड फ्रॉम इंडिया एंड दे क्रिएट टू मतलब टू मच गुड क्वालिटी लाइक विंटेज एंड रेट्रो सॉन्ग्स, लाइक ठीक है, उसका कवर्स बनाते हैं, दे मेक कवर्स एंड उसको वो इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि वो ओरिजिनैलिटी मिस नहीं होती है एंड इवन दे साउंड गुड। बट दिस इज जब तक अ फरीदकोट अमर जलाल ग्रुप दे आर सिंगिंग, एवरीथिंग साउंड्स गुड, एकदम परफेक्ट साउंड कर रहे हैं। पर जैसे वो लड़की का पार्ट आ रहा है, इट्स एंड ब्रो, इट्स एंड, मेरे को बिल्कुल भी वो पार्ट पसंद नहीं आया। ऑनेस्टली लिटरली आपको अगर बताऊँ तो मेरे को वो पार्ट बिल्कुल भी एक नंबर भी पसंद नहीं आया। मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ वो चीज़। वॉट आई पर्सनली थिंक, वट आई एम पर्सनली मेंट टू से इज सी, अगर मैं देखो जड़ा नशा अगर मैं चलाऊँ तो जब वो लड़की का पार्ट आएगा, वेट खुलने में टाइम ले रहा है। फ्यू मोमेंट्स लेटर, अब देखो अब जो पार्ट आएगा, ले लिसन टू दैट पार्ट, प्लीज प्लीज मूव फॉरवर्ड, अब सुनना कहाँ। व्हाट इज दिस यार, तो पूरा वाइब खत्म है सॉन्ग का। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऑनेस्टली बताऊं तुम्हें, लोग सोचते हैं कि म्यूजिक तगड़ा है, कंपोजिशन अच्छी है, तो सब कुछ है, नहीं, सिंगर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल यार। आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप सब लोगों को, कि जो लोग सोचते हैं कि एवरीवन इज इम्पॉर्टेंट, सब इम्पॉर्टेंट है, आई पर्सनली थिंक कि सारे इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए एक सॉन्ग जो है बहुत लोगों से मिलके बनता है। एक आइडिया है, वो लिरिसिस्ट अपने लिरिक्स पे लिखेगा, वो म्यूजिक कंपोजर को देगा, कंपोजर उसे कंपोज करेगा, म्यूजिक डायरेक्टर पे जाएगा, म्यूजिक डायरेक्टर उसे डायरेक्ट करेगा, अरेंज करेगा एंड लास्ट में आता है सिंगर। तो लोग सोचते हैं कि सिंगर की कोई वैल्यू नहीं है, बट ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, आप एक बात मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि अगर सिंगर नहीं होगा तो ये सारे जो आइडियाज़ हैं ये लोगों तक डिलीवर कौन करेगा? क्या लिखे हुए लिरिक्स सेंड होंगे? क्या कंपोजर गाएगा उसे? क्या म्यूजिक डायरेक्टर गा सकता है उसे? नहीं, सिंगर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन म्यूजिक। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, बिकॉज वो एक पर्सन है जो कि सबके आइडियाज को समेट के उसको एक्सप्रेस करके लोगों को दे रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट मैं क्या बोल रहा हूं? सो यहां पर खेल ही खत्म हो जाता है। जब तक फरीदकोट एंड वो गा रहे हैं तब तक एवरीथिंग इज बेटर, एवरीथिंग इज गुड। पर जैसे लड़की का पार्ट आ रहा है, एनर्जी पूरी डाउन हो जा रही है यार। वोकल्स में ही एनर्जी नहीं है, कैसे मजा आ जाएगा? स्केल देखो आप, जिस स्केल से फरीदकोट एंड अमर जलाल ने गा रखा है, दैट इज वेरी गुड स्केल फॉर मेल। अब वो मेल स्केल पे फीमेल गाएगी तो कहां से एनर्जी आ जाएगी यार?
सो दिस दे शुड नॉट डू आइदर. आयुष्मान को ही गवा देते हैं. नोरा तो वैसे भी लाइक इफ शी डांस वो अपने इम्पैक्ट वैसे ही बना लेती है, बट दिस इज नॉट गुड यार. आप पूरे सॉन्ग का एक वाइब मार दे रहे हो. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग टी सीरीज, बट द थिंग इज दैट कि प्लीज ओरिजिनलिटी मेंटेन करके रखनी चाहिए. वॉट आई पर्सनली थिंक इज आई पर्सनली लाइक द सॉन्ग. ठीक है, अच्छा है. वीडियो विजुअल्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मतलब मूवी टाइप बॉलीवुड टाइप्स हैं. ठीक है, सिनेमैटिक है, सब कुछ है. बट द सॉन्ग पर्सनली आई डोंट पर्सनली विल प्रिफेयर कि मैं उस वाले सॉन्ग के बदले ये वाला गाना सुनूं. नेवर. उसमें वाइब है, उसमें फील है. इन्होंने पूरा इंट्रो मेलोडी भी कॉपी कर दिया, सब चीज़ कॉपी कर दी. आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ, बट आई पर्सनली डोंट लाइक दिस थिंग, ऑनेस्टली टेलिंग यू. सो या अगर आप लोग को कोई गाना सुनना है, और अगर आप लोग को ये गाना पसंद आया, और अगर कोई भी पार्ट पसंद आया, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं. ठीक है, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, एंड पुराने वाले जेड़ा नशा का भी लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा. सो जाके देखो. एंड ये मूवी भी आने वाली है जल्दी, तो मूवी को भी देखो. सो आई पर्सनली लाइक द सॉन्ग. विजुअली मेरे को अच्छा लगा, बट सॉन्ग के अकॉर्डिंग मैं अगर बोलूँ तो मुझे पुराना वाला ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है इसके मुकाबले. सो मैं तो उसे ही सुनूंगा. भाई आप लोग किसको सुनेंगे ये भी मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस रिएक्शन गाइज. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द रिएक्शन. अगर आपको मेरा रिएक्शन एनालिसिस पसंद आया, और जो लोग चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो जाके सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, एंड क्या क्या कर सकते हो, शेयर भी कर दो यार, है ना. सो अपना प्यार ऐसे बनाए रखना मेरी सारी वीडियोज में. टिल देन मिलते हैं जल्दी नई रिएक्शन में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू एंड लव यू. मैं दिखे आ